नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। क्या अडानी का साम्राज्य हिल गया? क्या अडानी सच में अब सड़क पर आ जाएंगे? क्योंकि लगातार देखा जाए तो तमाम उद्योगपति अब अडानी से हाथ मिलाने के लिए कतरा रहे हैं, यानी अडानी के साथ आ नहीं रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर अडानी 29वें नंबर पर पहुँच चुके हैं। कल 29वें नंबर पर थे, उसके पहले 27वें नंबर पर थे। और आपको बता दें कि लगातार दूसरे से लेकर 29वें नंबर तक का जो सफ़र है, इसमें बहुत बड़े उनको झटके लगते हुए नज़र आए हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि अडानी का साथ आखिर कौन दे रहा है? क्या विपक्ष जो बात कह रहा है कि मोदी जी अडानी का साथ दे रहे हैं, क्या ये हकीकत है? और JPC की जो एक मांग की गई है, JPC जांच की लेकर, उसकी जांच क्यों नहीं करवाई जा रही? अडानी इस जांच से क्यों भाग रहे हैं और केंद्र सरकार यहां पर अनुमति क्यों नहीं दे रही है? ये बड़े सवाल हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में पूरा मसला पहुँच चुका है, सुप्रीम कोर्ट में और भी अभी सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट में ये साफ हो जाएगा कि JPC की जाँच होगी या नहीं होगी। लेकिन खबर ये है कि यहाँ पर अडानी ग्रुप के 3 शेयरों में ताबड़तोड़ गिरावट देखने को मिली है। BSE का सबसे खराब प्रदर्शन करने का जो है ठप्पा यहाँ पर लग गया है। हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट जारी होने के बाद तो वैसे भी अडानी हिल चुके हैं, कांप चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार एक के बाद एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि गौतम अडानी की कंपनियों के शेयरों में गिरावट का दौर लगातार जारी है। जहाँ एक ओर उन्होंने इस साल सबसे ज़्यादा दौलत गंवाने के मामले में रिकॉर्ड बनाया है, तो वहीं अडानी की कंपनियों के 3 शेयरों में बीते 24 जनवरी के बाद से सबसे ज़्यादा गिरावट जो है देखी गई है और रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। इन शेयरों में अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन शामिल हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर इन शेयरों के ऊपर सबसे खराब प्रदर्शन करने का ठप्पा लग गया है। तो यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन कैसे अब फिर से जो है उसी सूची में पहुँच पाएगा, उसी उन्नति को हासिल कर पाएगा जिस उन्नति के साथ वो चलता था। दर्शकों, आपको क्या लगता है कि सच में अडानी के साम्राज्य को बचाने के लिए अब केंद्र की सरकार को जो है साथ देना पड़ेगा जैसा कि विपक्ष कह रहा है, या फिर देश के प्रधानमंत्री ये कतई नहीं मानते कि अडानी उनके भाई हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।